शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। बहन जी पीछे ना गिर जाना। ओके अच्छा ठीक है हम चले जाएं। अच्छा मैडम मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप शाहरुख भाई के आने से पहले आप मतलब आपके भाई नहीं आप मुझे किस चीज ऐसे भेज रही थी तो वो मेरे वाला चीटिंग थी। शाहरुख आई जस्ट लव यू आई एम योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू आई एम जस्ट योर जस्ट योर फॉर यू आई जस्ट लव यू आई जस्ट लव यू सो मच आई जस्ट कपिल भी जो है मुझे शो पे इसलिए बुलाता है कि उसको थोड़े से उधार के किसेस मिल जाते हैं उसको अदरवाइज नहीं मिलते really. You are just awesome, I must tell you, शाहरुख, I just love you from the bottom of my heart. किस कर दो इसको एक बार। कपिल, I love you too. Thank you. तूने मुझे हर्ट तो किया है। No. बड़े no, भाई no, की no. शर्ट पहन के आई और मुझे हर्ट किया तो Okay, jokes apart. Thank you so much for coming. Thank you. And thanks for your love for शाहरुख भाई. Thank you. शाहरुख भाई, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा, ये शो की शुरुआत भी शाहरुख भाई ने की थी। हम भी चलाक हैं, हमें पता है शाहरुख भाई आएंगे, बहुत अच्छी रेटिंग आएगी। और ऐसी रेटिंग आई भाई, हमने आपका नाम नहीं डुबाया, हम लगातार मेंटेन करके रखा है ना। वही रखी ना टीआरपी जो शुरू हुई थी वैसे। नहीं, प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा, बढ़ गई थोड़ी सी। शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। शर्मा भाई, आपको बॉलीवुड में 25 साल पूरे करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद, जोरदार तालियां। आपको पता है बाजी, शाहरुख का मतलब क्या होता है? पता ना, शाहरुख मतलब होता है बादशाह का चेहरा। तो ये वाक्य में बॉलीवुड के बादशाह है। सर, घर वालों को पहले से ही पता था कि लड़का जिस भी फील्ड में जाएगा मतलब बादशाह बनेगा? नहीं नहीं, ये नाम तो नर्स ने रखा। जैसे ही पैदा हुआ ना तो उसने कहा बादशाह आ गया, नर्स ने रखा। मुझे पता नहीं था नर्सें भी ज्योतिषी का काम जानती हैं। भाई, एक आपकी फिल्म जो रईस आ रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर है, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, आपको मुबारकबाद देना लगता है कि हम आपकी बटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फिल्म तो 200, 300, 400 करोड़ तो होता ही आपका। नहीं दोस्त, बहुत साल हो गए ऐसा नहीं हुआ है। चलो भाई, वो लड़के को जानते हो, ये जो बड़े से मुंह वाला बैठा है, ये जो हाथ हिला रहा है, मतलब जानना चाहिए मुझे? सर, पहचानना चाहिए सर। हाँ, पहचान लिया मैंने। तभी थोड़ी नासाज है, इसलिए थोड़ा पहचानने में टाइम लगा। मैं रॉन्ग लड़के को देख रहा था पीछे, सॉरी। पर ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है, क्योंकि ये मेरी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा। राजीव, तुम कुछ कहना चाहोगे? सर, हम रईस देखने बहुत ही चाव से आ रहे हैं, क्योंकि आप एज यूजुअल यू आर रॉक स्टार, यू आर सुपरस्टार ऑफ इंडिया। आफ्टर राजेश खन्ना साहब, You are the rock star, आज मैंने देखा superstar. ये बड़ा बहुत गलत आदमी है, ये ऐसे बोलता नहीं, पर आज वैसे ही आपको देख के आपका ऑरा ऐसा है ना। हाँ, मतलब मुझको इसने फिल्म बड़ी अच्छी बना रहा है, अच्छी पिक्चर बना रहा है, ऐसा लग रहा है तुम्हें मेरे साथ काम करके। वैसे मैं अगर दोस्त ना होता तो इट्स टफ टू वर्क विद कपिल शर्मा। क्यों? क्योंकि इनके अपने पैरामीटर्स बहुत हाई हैं। मतलब परेशान करता है ना, स्टार की तरह बिहेव करता है, स्टार बिना हुए ना। मैं कह नहीं पाऊंगा ऐसा। नहीं नहीं, बोल दे, अभी तो कितनी, अभी तो कंटिन्यूटी में फंसा हुआ है, अब निकाल नहीं सकता तेरे को। क्या बोलना चाहते हो राजीव, आप मेरी फिल्म ऑल द बेस्ट फॉर रईस। और फिरंगी फिल्म आपने जरूर देखनी है, क्योंकि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, और इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं रईस देखूं ना देखूं, फिरंगी जरूर देखने आऊंगा, और आप सब लोग भी प्लीज फिरंगी देखने जरूर आइए। यू आर अ बिग मैन, यू आर अ बिग मैन। कुछ और कहना चाहते हैं राजीव? मैं एक्चुअली इसलिए नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि रईस की बात होनी चाहिए, तो मैं तब बोलूंगा जब फिरंगी रिलीज होगी। भाई, मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूं जी, आपको ये बताना कि कौन सी सिचुएशन में आपको बनिया का दिमाग चलाना है और कौन सी सिचुएशन में आपको मियां भाई की डेयरिंग दिखानी है। ओके, ये आप देखिए, आपकी फिल्म के हिसाब से क्वेश्चन देखिए आप। नहीं नहीं, तू बड़ा इंटेलिजेंट है, वो तो मेन चीज है, तू इंटेलिजेंस का तो मैं कायल हूं। तो सीरियसली कह रहे हैं? नहीं नहीं, सीरियसली है। आप मान लो शाहरुख भाई, आप जैसे आप अपने फैंस को बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके जन्मदिन पे हजारों लोग आते हैं आपके घर के बाहर, ऐसे कभी आप अपने फैंस के बीच में गिरे हैं?
Sorry, it's a very cheap kind of question. Not cheap, actually. It's a natural call. मतलब तेरा 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 type का एक question है. Cheap थोड़ा होगा. मैं समझ गया. पूछ तो. फिकर मत. पूछ तो. I mean, आप अपने fans के बीच में गिरे हुए हो. और आपको बहुत तेज natural call. उंगली आ रही है. नहीं, उंगली नहीं आ रही है. मतलब liquid type जो होता है. अच्छा. इससे अच्छा मैं सीधे ही भूल देता. आप fans के बीच में घिरे हैं. तो आपको एक नंबर की तलब लगी. तलब नहीं लगती, मतलब वो लगा. तो आप बनिए का दिमाग लगा के चुपचाप भाग के वॉशरूम में घुस जाएंगे कि मियां भाई की ड्रिंक से थोड़ा रोक सकते हैं. इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बाय द वे. मेरे साथ असली में ही हुआ था. एक बार जयपुर गया था. अच्छा. और ऐसे ही फंक्शन में गया था और मैं लेट पहुंचा था वहां पे. तो मैं प्राइवेट प्लेन से लैंड किया और सब लोग वेट कर रहे थे. और मेरे को स्टेज पे जाना था और हजारों लोग इंतजार कर रहे थे. तो जो बेचारे ऑर्गेनाइजर्स थे मुझे कहने लगे, यार शाहरुख सर चलो चलो चलो. लेकिन मुझको वही नंबर वन होने की जो तलब है. अच्छा. तो मेरी वो नंबर वन होने की जो तलब है वो वापस आ गई उस वक्त वहां पर. तो मैंने कहा भी मैं क्या करूं ऐसा करके. तो मैं किसी के साथ जा रहा था और ऐसे ही किस्म के कपड़े पहने हुए थे, कुछ शेरवानी वगैरह. कुछ इंडियन फंक्शन था वहाँ पे जी. तो मैंने ऐसा किसी को बताना मत आप लोग बाहर जाके प्लीज. हाँ. नहीं नहीं, घर की बात घर में रहेगी. हाँ, यहीं पे रखना. हाँ बिल्कुल. वो तो फैमिली है, उसके आगे मत बताना किसी को. 150 करोड़ और आगे ये मंगोलिया जाएंगे बताने भाई. इधर ही है सारे. इंडिया में रहने बात ठीक है, बाहर ना जाए. तो मैंने वहीं खड़े खड़े बैक स्टेज पे बात करते करते यू नो पानी की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं. तो ऐसे ही मतलब ऐसे ना अपना बात बात करते 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 मैंने मैं सीरियसली बहुत प्रॉब्लम थी यार उस दिन. मतलब ये मुसीबत थी, परेशानी थी. वरना मैं ऐसा बिल्कुल बदअखलाकी नहीं करता. मैं बनिया का दिमाग करके बाथरूम में चले जाता, लेकिन बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था. इससे बेहतर कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर सिर्फ ऐसा टांग वांग हिला के कुछ करूँ. मैंने पूछा तो आपने मेरे को चीप बोल दिया. अभी ये हरकत सही थी आपकी बॉटल वाली? मतलब इतना मतलब नहीं, मैंने बनने के दिमाग यूज कर लेते थोड़ी देर. यहाँ पर बहुत लोग बैठे होंगे, कभी कभी परेशानी में ऐसा करना पड़ता है. और मैंने ऐसा किया है तो मुझे माफ कर देना यार. अभी नेचर्स कॉल है, भगवान ने दिया है तो करना ही पड़ता ना यार. पर देख ऊपर वाले की माया देखो. एक सुपरस्टार आदमी शाहरुख खान और हम क्या बातें कर रहे हैं. अच्छा भाई, मुझसे ना कोई ज्यादा इंटेलेक्चुअल बातें एक्सपेक्ट भी नहीं करता. लोगों को लगता नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ. अदरवाइज आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय. देखा. ओके भाई, अगर आप सेट पे कोई रोमांटिक सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन को आपने बाहों में लिया हुआ है, कभी कभी नहीं भी होता शायद, कुरियर में आप ले लेते हैं, मतलब ठीक है. तू करता होगा? नहीं नहीं भाई, मेरे को तो, मैं तो पहली फिल्म में 4 हीरोइन थी ना, कोई नहीं. मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कोई सीन. तेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट में हीरोइन लिखते हैं कि हाथ नहीं लगाएगा हमको. नहीं भाई, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं हाथ लगाएंगे 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 तभी हम काम करेंगे. तू मेरी तरह बेवकूफ नहीं ना, तू इंटेलेक्चुअल है, इसलिए वो ऐसा बोलती है. तेरा दिन खराब है. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूं, आई एम नॉट लाइक दैट. ऐसे पोल कैन बी माय फ्रेंड. पोल मत करना, पोल मत करना, भाई बना लेंगे सब की सब. सोनाक्षी सिन्हा बना गई भाई. हां फिक्र मत कर, सब बनाएंगे. चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं. मजाक अपनी जगह, ये लड़का बहुत बड़ा डायरेक्टर बनेगा. इसने बहुत अच्छी फिल्म शूट की है. क्लोज अप मेरी अपनी फिल्म का प्रमोशन है भाई साहब. अच्छा है आदमी जो क्रिएटिव आदमी जो होता है बैक स्टेज रहता है उस, तब इसका बड़ा दिमाग चलता है. आज कैमरा देख के ना मुंह पे जुबानी फिर जा रहा है. राजीव आई एम प्राउड ऑफ यू. फिरंगी 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 K9 Films present फिरंगी. K9 Films present फिरंगी, जिसमें कपिल एक्टिंग कर रहे हैं और राजीव जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनका चेहरा आप देख चुके हैं और जिंदगी भर ये चेहरा याद रखेगा. और बड़ी बात है कि बहुत बड़े चेहरे वाले डायरेक्टर हैं. सॉरी यार, तू तो मेरा भाई, तेरे को प्रॉब्लम नहीं. अभी आगे भी फिल्में करनी है इसलिए गुस्सा नहीं करना. तो भाई अगर आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हो, पूरा मूड में है, ऊपर से गौरी भाभी आ गई. ऊपर से कहाँ से, छत से आती हैं? I mean साइड से आ गई. हाँ मतलब नॉर्मली आती है ना, तो मेरी बीवी है, छत से उड़ के आ रही है, ऊपर से आ गई, तरापे पे आ रही है मेरी बीवी. शाहरुख खान की बीवी आ भी सकती हैं. हाँ मतलब तरापे पे आ रही है मेरी बीवी है. तो गौरी भाभी आ गई. तो गौरी भाभी आ गई तो आप वो सीन थोड़ा मान लो ज्यादा रोमांटिक है, वो गर्दन के पास जो आप ऐसे ऐसे करके निकलते ना, मुझे आज तक नहीं पता चला क्या करके निकलते, बड़ा मजा आता देख के. वो आप कर रहे हो, ऊपर से भाभी आ गए, तो आप वो सीन करोगे, मियां भाई की डिग्री रखोगे कि बनिया बन जाओगे उस समय?
I don't know, तूने closely देखा नहीं क्या, तू सिर्फ गर्दन को ही देख रहा था. तूने नोट किया होगा कि मैं कोई भी ऐसे सीन जो है यहाँ पे करता ही नहीं हूँ इंडिया में, आउटडोर में करता हूँ सारे के सारे. ये मैं यही तो सीख रहा हूँ. मैं सिर्फ गर्दन के पास मैं सिर्फ स्विट्जरलैंड में जाता हूँ, यहाँ इंडिया में बिल्कुल नहीं आता गर्दन के पास, मैं दूर दूर ही रहता हूँ. इधर से दूर दूर ही. तभी मेरे को भास्मस्तान सर ने राजस्थान में मेरे को कहते ऐसे खींचना और लड़की इधर चली जाएगी, तो मैं कहा फिर हमारा क्या रोल है, आई मीन व्हाट आई एम डूइंग. फिर लड़की सीधे चली जाए, उसको बोल दे वहां से चलना वहां तक जाना, मेरे को क्यों बिठाया बीच में. नहीं भाई तेरी प्रॉब्लम है, तेरा फेस ही ना भाई टाइप है तेरा, तेरा नहीं चलेगा ऐसा, तेरा ऐसे रहेगा. ओके मैं यही लड़कियों से पूछना चाहता हूँ, कोई दो लड़कियां जिनको मैं भाई नहीं लगता, सारी मैरिड लड़कियों ने हाथ खड़ा किया. ओहो मैं मुझे राजीव भी बोल रहा है अपनी पिक्चर का नाम रक्षाबंधन रखने वाला है. सो वंस अगेन वी विल टॉक अबाउट फिरंगी. फिरंगी इज अ फैंटास्टिक फिल्म. भाई रात को 11 बजे मतलब काफ़ी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, काफ़ी बड़ा सर्कल है, कोई आपको फ़ोन करे पार्टी वार्टी के लिए, तो उस समय आप डेयरिंग दिखाएंगे कि यस गौरी आई एम गोइंग फॉर ए पार्टी, के यार दोस्त है हॉस्पिटल में, अब बस पता नहीं कुछ भी हो सकता. नहीं रात को 11 बजे तो मैं तो कपिल शर्मा का शो करने जा रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ. शाहरुख सर आप तालियों में बिजी हो गए थे इसलिए मैं जल्दी चला गया. तो सर मैं वो आपको लेकर आया था इसके इधर, तो बड़ा टेम्पो का शाहरुख खान से पैसे मांग रहा है. क्या बड़ा क्या मतलब यार, तुम अच्छे कॉमेडियन हो, सब मिमिक्री वमिक्री कर रहे हो, क्या मतलब क्या है इसका यार ये बड़ा बड़ा. तुम्हें मालूम है अपनी इसलिए गाड़ी के अंदर आया हूँ, तुम्हारा जो ये ट्रक है इसमें धक्के वक्के मार के तुम लेकर आते हो. मतलब इसमें नहीं मुझे एक बात बता, तो लॉजिक तो रखना चाहिए ना कुछ, कॉमेडी शो इसका मतलब सब कुछ भूल जाएगा तू. नहीं सर उसमें ये था पता नहीं बाड़े का मतलब क्या है, देखा मुझे बता, धक्का मार के अगर तू नहीं लेके आता मैं नहीं आता यहाँ. आइडिया था किसका ये जो मैं लेकर आया, वो पैसे मांग रहा तो शर्म नहीं आ रही तेरे को यार. रख दिया मैं पैसे रखूंगा जेब में, मैं शाहरुख खान हूँ जेब में वॉलेट लेके घूमता हूँ, पैसे लेके घूमूंगा मैं. अगर गोद में उठा के लेकर आता फिर भी पैसे देता मैं तेरे को. ये टक्सीडो पहन के थोड़ा ना इंटेलिजेंट हो जाता है कोई, ये तो सबका 25 रुपए में तीन आते हैं. इधर आ, अच्छा बात सुन, अच्छा बात सुन, ये सीरियसली भाई 25 रुपए में तीन मिलते हैं. अभी इसके साथ मिल गए, ये लगा लिया तूने, ये तेरे को फांसी हो गई, तो फांसी हुई बड़ी, आवाज नहीं निकल रही, आपने तो पहनाया सारा कुछ. निलाया किसने तुझे आज, तेरे को ट्रक किसने दिया पहले ये बता. पीछे से मेरे को बताया गया, कहते भी शाहरुख सर ने आना है. हाँ. तो आपने अच्छी सी एंट्री करवानी है, मैं कहा ठीक है. तेरी नजर में ये अच्छी थी, शाहरुख खान मतलब अपनी बाहर इंपोर्टेड गाड़ी में आए और तेरे मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है. देखिए फिल्म में जिस चीज की स्मगलिंग करते हैं वो बहुत महंगी थी. अच्छा इसलिए मैं दूध ले आया, तो दूध दूध के पैसे भी मांगेगा तू.